आप लोगों के बड़ा दुख दर्द भरा इस संदेश बा और श्रद्धांजलि गीत बा जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति परम पूजनीय प्रणव मुखर्जी जी इस दुनिया को अलविदा कह गए, जो हमारे देश के 13वें राष्ट्रपति थे। काफी साफ सुथरी उनकी नीति रही इस देश के प्रति। तो गीत के माध्यम से श्रद्धांजलि सदा सुमन अर्पित करता हूं। कैसे रहल तेरंगवा राष्ट्रपति प्रमुख रंग जी अरे प्रणव मुखर्जी जी हो चली गई लसाभा के विसारण हो रहा भारत रत्न सम्मान नक पवा लय उपाधि आया रे पवा लय उपाधि आ हो कांग्रेस कर रहा पतावारन हो बाबू राष्ट्रपति के रूप में 2012 से 2017 तक पद पर रह चुके थे प्रणव मुखर्जी जी। यही नहीं और कवि जी के कलम संकेत कर चुका वाणिज्य विदेश वित्त मंत्री वाला पादावा वित्त मंत्री वाला पादावा हो देशवा का बाबू राजनीतिक जीवन 40 सालों से भी ज्यादा लंबा रहा। यही नहीं कांग्रेस पार्टी में रहते हुए उन्होंने विदेश मंत्री से लेकर के रक्षा व वित्त मंत्री और वाणिज्य मंत्री तक की भूमिका उन्होंने निभाई। धीरे धीरे अवस्था ढलल हो बाबू 84 वर्ष की उम्र में आखिरकार 10 अगस्त सन 2020 को तबीयत खराब होती है। तो कवि जी लिखते हैं क्या हो आर आर अस्पताल में दवा कारण हो रहा ए बाबू 10 अगस्त को हालत बिगड़ती है, ले जाकर के आर आर हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, लेकिन दवा उपचार चल हो बाबू काफी दिनों से दवा उपचार चला लेकिन स्थिति में सुधार नहीं आई। आखिरकार होता क्या है 31 अगस्त के बंद भाई लीना जारी बंद भाई लीना जारी हो सोकवा में देशवा हमारा न हो रहा ए बाबू
31/8/2020 को पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हॉस्पिटल में बाबूजी दम को तोड़ देते हैं। लेकिन एक खबर चारों तरफ फैलती है, कैसे बेटा अभिजीत मुखर्जी भारी के नजरिया हो भारी के नजरिया हो सब ही के खबरा जता बाबू। देहांत होने के बाद उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट करके सभी लोगों को जानकारी देते हैं। जैसे जानकारी फैलती है बाबूजी, देश के प्रधानमंत्री पीएम महोदय नरेंद्र मोदी जी, राष्ट्रपति वर्तमान राष्ट्रपति राम कोविंद जी और तमाम लोग, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी, कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सभी लोग बाबू जी ट्वीट करके गहरा दुख जताए, सदा सुमन अर्पित किए बाबूजी। लेकिन सरकार की तरफ उनके शोक में एक ऐलान होता है, क्या छाती नाराष्ट्री शोक के भाई लाया लाना हो जू कल तिरंगा दुखवा कारण हो रहा बाबू। स्वर्गीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के शोक में सरकार की तरफ से ऐलान होता है कि 6 दिन का राष्ट्रीय शोक 31 अगस्त से 6 सितंबर तक शोक मनाया जाएगा। लेकिन सभी लोग श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं, यही सब लोग कह रहे हैं कि आपके जाने से सभी लोगों के हृदय में आघात लगा है। तो कहना है श्रद्धा सुमन अर्पित कर सब चराना वाया रे कर है सब चराना वा हो अमर नाम हो ला जाया कारण एरा बाबू राम